आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा मॉडल साइंस महाविद्यालय में पुलिस विभाग द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर चलाए जा रहे चेतिया अभियान के अंतर्गत सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर रहे। चेतना अभियान के प्रभारी अधिकारी SDOP सिरमौर नवीन तिवारी एवं महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा आराधना सिंह परिहार ने भी सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सहित छात्र छात्राएं भारी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजित हुए कार्यक्रम को लेकर ASP अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मानव दुर्व्यवहार को लेकर चेतना कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। इसी कड़ी में आज कार्यक्रम के समापन अवसर पर मॉडल साइंस कार्यक्रम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्राचार्य सहित शिक्षकगण और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान मानव दुर्व्यवहार को लेकर चर्चाएं की गई और इसे समाज से पूरी तरह मिटाने के लिए शपथ ली गई। उन्होंने बताया नशा मुक्ति अभियान के संबंध में भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, क्योंकि नशा आज युवा पीढ़ी को तेजी से बर्बाद कर रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी अपराध की ओर अग्रसर हो रही है। कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा को भी लेकर जानकारियां दी गई। हम आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रीवा जिले के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में चेतना अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसका आज मॉडल साइंस कॉलेज में समापन किया गया है। महिला सुरक्षा के DSP भी हैं, साथ में वो भी काम देखते हैं। महिला थाना प्रभारी और महिला सुरक्षा सेल की प्रभारी निशा आराधना और प्यारे छात्र छात्राओं, आज का विषय जो है नशा और मानव दुर्व्यवहार को लेकर के है। मानव दुर्व्यवहार जो समाज में एक अभिशाप की तरीके है और एक संगठित अपराध है, समाज में इसकी जड़ें जो है बहुत दूर तक फैलती जा रही हैं। इसको ध्यान में रखकर हमारे पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा सेल के द्वारा एक अभियान चेतना के रूप में चलाया गया था, जो 26 सितंबर से लेकर आज 4 अक्टूबर तक ये था। आज इसका समापन दिवस था। इसमें हमने मॉडल साइंस कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के सहयोग से यहाँ एक कार्यशाला जो है आयोजित की थी, जिसमें हम लोगों ने नशा मुक्ति और मानव दुर्व्यवहार को लेकर जो है NGOs के श्री द्विवेदी जी और पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने इसमें अपना व्याख्यान दिया, और इससे बचने के लिए और समाज में से उखाड़ करके फेंकने के लिए मानव दुर्व्यवहार से लोग जो जुड़े हुए हैं, इस अपराध को बाहर करने के लिए एक अभियान के अंतिम दौर पर अंतिम दिन आज जो है सब लोगों ने बैठ करके एक गोष्ठी की है और संकल्प लिया है और शपथ भी ली है कि हम स्वयं इसको न करेंगे और न ही समाज में होने देंगे।